नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं बीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और इस समय हम मौजूद हैं फिक्की में, जहां पर हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर के। और हमारे साथ प्रो पंजा लीग के को ऑनर प्रवीण सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। थैंक यू सो मच सर। फिक्की में मौजूद है, 100 ईयर्स हम देखते हैं आने वाले समय में स्पोर्ट्स को जब हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तो कैसे देखते हैं आप इस इवेंट को? आई थिंक इट्स बहुत ज़रूरी इवेंट है कि स्पोर्ट्स वालों को इकट्ठा करना और स्पोर्ट्स के बारे में बात करना, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना कि हम और क्या कर सकते हैं एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के लिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक प्लानिंग, उस पर भी एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करना। तो आई थिंक बहुत ही ज़रूरी इवेंट है और बहुत ही अच्छा इवेंट है। सर, बात करें प्रो पंजा लीग की, तो हमने पिछले कई सालों से हम भी देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, काफ़ी मैसिव ग्रोथ मिला है, ग्लोबली हो गया, इसे आप कैसे देखें? बिल्कुल, एंड थैंक यू। लास्ट 4 महीने में ही हमको 156 मिलियन व्यूज़ मिले हैं सोशल मीडिया पे, जो काफ़ी अच्छा है। बाहर वाले भी अभी ग्वालियर में आए थे देखने के लिए, मॉन्स्टर माइकल टॉड और उनकी बीवी रेबेका टॉड। काफ़ी ग्लोबल रिकग्निशन भी मिल रही है, इंडिया में भी ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, और आशा करते हैं यही ग्रोथ पाथ देखते जाए। सर, नेक्स्ट ईयर भी टूर्नामेंट है, 6 टीम्स हिस्सा ले रही हैं 2023 में, उसके बारे में कुछ बताएं। देर आर 6 टीम्स विच आर गोइंग टू स्टार्ट, इट्स गोइंग टू बी राउंड रॉबिन। हर टीम एक दूसरे को 2 बार खेलेंगे, एंड द टॉप 4 विल गो इनटू द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, यू नो, बिकॉज प्लेयर्स जो है वो हर साल उनका लेवल जो है वो बढ़ता रहता है, हर टूर्नामेंट के साथ उनका लेवल बढ़ता रहता है, क्योंकि उनका मोटिवेशन भी बढ़ता रहता है। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल टू विन, कि यार हारना नहीं है, और जो अगर हार जाते, क्योंकि किसी न किसी को तो हारना होता है, तो वो जो ट्रेनिंग के लिए वापस जीतने के लिए, तो एक बहुत ही एक्साइटमेंट है पूरे आर्म रेसलिंग वर्ल्ड में कि प्रो पंजा लीग में जीतना है। यहाँ पे हम चाहे बाकी चाहे जगह चाहे जो भी है, लेकिन प्रो पंजा लीग में हमने जीतना है। सर, खास बात ये भी नज़र आती है प्रो पंजा लीग में, मेंस भी हैं, वुमेन्स भी हैं, हैंडीकैप प्लेयर्स भी हैं इसमें, और पिछले समय से जब हम देख रहे हैं प्रो पंजा आगे बढ़ रहा है, तो एथलीट जो है उनको भी फ़ायदा हो रहा है, सोशल मीडिया में वो भी ग्रो कर रहे हैं, उसको आप कैसे देख? बिल्कुल, वो ग्रो कर रहे हैं, उनको हम वर्कशॉप्स भी करते हैं, और इससे जैसे हमारा जो ग्वालियर टूर्नामेंट था बहुत ही सक्सेसफुल था, जैसे मैंने बताया 156 मिलियन व्यूज़ आए थे, और प्रो पंजा लीग में जितने भी एथलीट्स थे, कई बार हो सकता है वो सब टॉप के नहीं जीते, सेकेंड या थर्ड भी है, उनका भी बहुत ग्रोथ हुआ है, हमारा भी ग्रोथ हुआ है, काफ़ी एथलीट्स का भी बहुत ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि एथलीट्स का हीरो होना बहुत ज़रूरी है, कि पहचान होना कि वो कैसे हैं, उनको लाइक करना, एक वो ग्रोथ होना, वो बहुत ज़रूरी हो रहा है, और वो हो रहा है अभी। सर, आगे के विज़न को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि कई सारे पार्टिसिपेंट्स, क्या और बड़े लेवल पे हम इसको और देख सकते हैं इंटरनेशनल? ऑफकोर्स, इसका जो प्लान है, काफ़ी प्लान्स हैं हमारे इसको ग्रो करने के लिए, लेकिन जो सीढ़ी है ना, वो एक एक करके चढ़ना पड़ता है, तो इतना भी एकदम से वो नहीं, ज़्यादा ओवर एम्बिशियस भी होना अच्छा नहीं होता, एम्बिशियस ज़रूर होना चाहिए कि ये प्लान है और ऐसे ग्रो करना है, लेकिन एक एक स्टेप के साथ। तो काफ़ी प्लान्स हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट है यहाँ पे भी और ग्लोबली भी, प्रो पंजा लीग को देखे तो पूरे प्लान्स धीरे धीरे सब पूरे होंगे। सर, फिटनेस को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी फिटनेस में काफ़ी रहते हैं, और आजकल जो है एक डिबेट का मुद्दा भी बना हुआ है सप्लीमेंट्स को लेकर के फिटनेस में, पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे, हम देख भी रहे थे जब आप बात कर रहे थे, उस पर मैं आपका लेना चाहता हूँ व्यू पॉइंट, क्योंकि पिछले कुछ समय बहुत सारे एक्टर्स, आप भी खुद एक्टर हैं और आप काम करते आए हैं, ये जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में जो जिम जाते हैं, कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी हम देख रहे हैं कि भाई ओरिजिनल्स होते हैं, पता लगाना ज़रूरी है, उस पर आप क्या? सबसे पहले तो सप्लीमेंट्स और स्टीरोइड्स में फ़र्क है, मेरे ख्याल से स्टीरोइड्स में ज़रूर बोलना चाहूँगा सबको, उसको ट्राई भी मत कीजिए, यू नो, आई हैव ऑलवेज बीन बिलीव्ड इन स्टीरोइड फ्री बॉडी माई सेल्फ। हमने अपने प्रो पंजा लीग में भी रैंडम टेस्टिंग चालू किया है, एथलीट्स को भी समझाते हैं कि ये आपको लॉन्ग टर्म या मिड टर्म में बेनिफिट नहीं करके जाएगा, शॉर्ट टर्म में भी नहीं देता है ये, आप समझ रहे हैं। तो वो, और जहाँ के सप्लीमेंट्स की बात हुई, हाँ, मेरे भी सुनने में है कि काफ़ी नकली सप्लीमेंट्स होते हैं, और ये भी होता है कई बार कि सप्लीमेंट असली है लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरर ने कुछ डाल रखा है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बने। तो इसलिए जो मैम सुजाता मैम बोल रहे थे कि डाइटरी सप्लीमेंट्स का भी टेस्टिंग होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि जो लिखा हुआ है पैकेट पे उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, तो ये टेस्टिंग होना, और आप क्या ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, हर हमेशा ज़रूरी नहीं होता,
कि आप बॉडी बनाने के लिए आपको किसी डब्बे की ज़रूरत पड़े, नहीं, आपको एक अच्छा नेचुरल डाइट चाहिए और एक्सरसाइज करना है, उस पर आप फोकस कीजिए। हाँ, कई बार चाहिए होता है जब एथलीट्स होते हैं तो आपको ध्यान से रखना है कि आपका जो सोर्स है सप्लीमेंट्स का वो कहाँ से है और वो कितना क्या कहते हैं उस पर कितना बिलीव कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रो पंजा लीग पर एक बार फिर आऊँगा, आपके कौन से फेवरेट प्लेयर्स हैं? हम सब के अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स तो हैं, बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं, पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे जो एथलीट्स रहे हो जो आपको लगता होगा इन्होंने बहुत इंप्रेस? मैं ये बोलूँगा कि जिन्होंने अच्छा काम किया, फेवरेट नहीं बोलूँगा क्योंकि सभी मेरे फेवरेट हैं, लेकिन स्पेशली जो लास्ट टूर्नामेंट है उसमें तौहीद शेख ने बहुत अच्छा किया, मज़ाहिर साधु, राहुल पानीकर, चेतना शर्मा, योगेंद्र चौधरी, यासिर अराफत, ये सब प्लेयर्स हैं जो कि बहुत उनको आए भी हैं फर्स्ट, आर्या, फिर कुछ प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट नहीं आते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा किया और बहुत पॉपुलर हुए, परमीत सिंह, हरमन मान, कारज सिंह वर्क, आकाश कुमार, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नीतू फ्रॉम दिल्ली, नीतू वर्मा एंड बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो और पॉपुलर होते जा रहे हैं, यू नो, एंड वी कीप पुशिंग देम, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू विन बट ऑल्सो फोकस ऑन प्रमोटिंग योर सेल्फ, प्रो पंजा के साथ अपने आप को भी प्रमोट करो और वहाँ करो, एंड अ लॉट ऑफ दैट इज़ वर्किंग नाउ। ग्वालियर के इवेंट हमने देखा बहुत सक्सेसफुल रहा था, माइकल टॉट भी वहाँ पर आए थे, और क्या आगे आने वाले समय में हम ऐसे देख सकते हैं और इंटरनेशनल स्टार्स प्रो पंजा लीग? बिल्कुल, हमेशा हर जो टूर्नामेंट होगा उसमें कोई ना कोई इंटरनेशनल स्टार ज़रूर जुड़ेगा जो दुनिया के सबसे बिगेस्ट आर्म रेसलिंग स्टार्स हैं, और उससे उनको इंस्पिरेशन भी मिलता है, जो इंडिया के जो आर्म रेसलिंग पंजा के खिलाड़ी हैं उनको इंस्पिरेशन मिलता है कि वो खिलाड़ी आके हमसे बात करेगा, कुछ सिखाएगा। आप देखिए ग्वालियर में, और मॉन्स्टर माइकल टॉड को भी नहीं बिलीव हुआ था, वो उनको आदत थी अभी तक 30-40 लोगों को वो सेमिनार देना, यहाँ पे उन्होंने देखा 600-700 एथलीट हैं, तो वो भी काफ़ी उससे इंस्पायर होते हैं और एथलीट्स भी इंस्पायर होते हैं। सर एक लास्ट सवाल आपसे, जो यंगस्टर्स हैं, जो बिगनर्स हैं प्रो पंजा लीग में आगे आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज आप देंगे? मैं यही बोलूँगा कि आपकी किस्मत आपके हाथ, आप ट्रेनिंग करो अच्छे तरीके से और अपने आप में बिलीव करो, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने देखा है कि बिना ट्रेनिंग के एथलीट्स चाहते हैं कि वो रिजल्ट्स मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता, आप ट्रेनिंग करेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है, स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग बहुत हाई हो चुका है, तो उसमें आपको ट्रेनिंग अगर दूसरे से ज़्यादा नहीं करोगे तो नहीं जीतोगे। बाद में सब अपने दिमाग में बहाने मारते हैं ये वो, नहीं, यू हैव टू ट्रेन वेरी हार्ड टू बी एबल टू विन। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक्टर भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं और बिजनेस भी आप कर रहे हैं, और फिटनेस पे भी हम देखते हैं लगातार आपकी रील्स और इंस्टाग्राम्स पे, कैसे आप मैनेज कर पाते हैं और क्या आगे हम और? ये टाइम मैनेजमेंट है, हमारे शौक काफ़ी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो टाइम एक्टिंग और प्रो पंजा लीग लेता है, और अदरवाइज तो मुझे ट्रैवल, स्कूबा डाइविंग, फोटोग्राफी, इन सब के भी शौक हैं और वो भी मैं कभी कभी करता हूँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं टाइम मैनेजमेंट का की बात है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट अपना ठीक रखते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। फिटनेस टिप्स आप देना चाहेंगे? फिटनेस टिप्स मैं यही दूंगा कि 80% खाना, 20% एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी जिम में आप जाते हो तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वेट मत उठाओ। मैंने बहुत जगह बार देखा है कि इंजरी होती है कि वो दूसरे से ज़्यादा वेट उठाना चाहते हैं, ये वो, और कई बार गलत चीज़ें भी खाते हैं सिर्फ बॉडी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। आप ठीक चीज़ खाइए और एक्सरसाइज जो है अपने बॉडी को पुश कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि वो टूट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर एबीपी लाइव। थैंक यू सर। हमारे साथ प्रवीण सर थे जो कि बता रहे थे कि आने वाले समय में आप और कौन कौन से टूर्नामेंट्स देख सकते हैं, खासतौर पर प्रो पंजा लीग से, जो कि इस समय करंट टाइम्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और आगे भी आप बहुत सारे टूर्नामेंट्स देखेंगे और लगातार अपडेट्स जो है मैं आपको देता रहूँगा। आप एबीपी लाइव के साथ बने रहिए।